हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देख रहे हैं येलो कलर के फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी खिल रहे हैं। डेली थोड़े थोड़े खिल ही जाते हैं, दो चार खिल ही जाते हैं और ढेरों कलियाँ आई हुई हैं। देखिए, ये मेरे पास दो प्लांट हैं, एक ये है और एक वो है। आज धूप बहुत तेज़ निकली है, बहुत गर्म हो रहा है। एक ये वाला है, देख रहे हैं आप, ये तो ये दो येलो कलर के हैं। इसमें भी कई फूल खिले हैं, कुछ कल खिले थे, कुछ अब खिल रहे हैं क्योंकि इस समय हिबिस्किस के लिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और ये देखिए, विंटरमिंट के साइज़ बहुत छोटा हो गया था, अब काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर आ रहे हैं इनमें। देखिए ये है, इधर ये है, ये रेड भी काफ़ी खिल रहे हैं, देखो वो खिल रहा है। तो हिबिस्किस में अभी अच्छा मौसम चल रहा है इनका। अभी आप प्रोपोगेशन करना चाहें तो प्रोपोगेट कर सकते हैं हिबिस्किस को भी। और ये देखिए, बहुत प्यारे फूल खिल रहे हैं इस समय। मौसम अच्छा हो रहा है, आप हिबिस्किस है या रोज़ है, इन सब की कटिंग लगा सकते हैं। मेरे हिबिस्किस तो कई वैरायटी के हैं, बहुत सारे हैं। ये देखिए, एक ये है, ये है, मल्टीपेटल हैं ये और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। भर भर के फूल आ रहे हैं इस समय। ये देखिए, ये वाइट वाला भी बहुत ढेर सारे फूल खिले थे। कल मैं वीडियो बनाने के टाइम नहीं मिला मुझे, और इसमें भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, खूब ढेर सारे फूल आ रहे हैं। और ये देखिए, ये ऑरेंजेस है, रेड बीच में है, इसमें पिंक बीच में है, ये अलग है। देख रहे हैं आप, ये दो अलग खिले हैं, ये दो अलग तरह के हैं और ये कुछ डल टाइप का है। अब कलर इसका ठीक हुआ, बीच में इसका कलर ही चेंज हो गया था बिल्कुल। और इधर ये भी मल्टीपेटल हैं, ये भी खिल रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं आप, ये भी खिल रहे हैं। ये ऑरेंज थोड़ा डार्क वाला है, इसकी कलियाँ बहुत मोटी मोटी आती हैं। ये भी कल खिला था, ये इसका ये बच्चा ये है। तो काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है, अच्छे से फूल खूब आ रहे हैं। ये वाइट वाला भी खूब खिल रहा है, सब कलियाँ आई हुई हैं, पत्तों से ज़्यादा कलियाँ आई हुई हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं हिबिस्किस। तो इस समय मेरे हिबिस्किस में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए, ये पिंक है, पिंक मेरे पास कई वैरायटी के हैं। देखिए, इसमें अंदर डॉट है रेडिश, और एक पिंक ये है, ये वाला पिंक है। ये देखिए, इसका बेबी है मेरे पास में, तो ये काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं अभी। और ये येलो है, ये देखिए, ये येलो है, ये भी येलो है। ये लास्ट ईयर में पतंगर से लेके आई थी, 5 पेटल वाला है, जो 5 पत्ते आते हैं, इसी टाइप का होगा, इसी टाइप का है येलो, इस टाइप का। तो ये भी अब ठीक हो गया, बीच में येलो हो गया था ज़्यादा बारिश की वजह से और ठंड की वजह से, तो अब ये ग्रीन हो गया, ठीक हो गया, अच्छा खासा हो गया। खाद वगैरह दी और इसमें थोड़ी सी अभी लग रहा है कमी है, तो इसको भी मैं ठीक करूँगी, खाद वगैरह डाल के इसे भी मैं ठीक करूँगी। और इस तरह की जो भी एक्स्ट्रा बीट आ रही हो रही हैं आपके, इसमें इन सबको जड़ के साथ निकालिएगा, ऐसे ही मत निकाल दीजिएगा, पूरी जड़ के साथ ही निकालिएगा, क्योंकि ये सारी एनर्जी आपकी सक कर लेंगी और आपके प्लांट को बढ़ने नहीं देंगी। तो इस तरह से आप इनको निकालते रहिएगा, बिल्कुल मत रखिएगा अपने गार्डन में। और मेरे यहाँ हिबिस्किस, और ये मिनी हिबिस्किस है छोटा वाला, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, मगर इसकी थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे पानी की दिक्कत हो जाती है, तो इसे पानी ज़्यादा चाहिए होता है, एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है। तो इसमें मैं आज भूल भी गई हूँ लगाना, अभी लगा के ही हटी हूँ पानी। तो ये देखिए, साइज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं सीजन के हिसाब से, जब ये सीज़न वैसे चलता है तो इनके साइज़ थोड़े छोटे होने लगते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं हिबिस्किस इस समय। ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है इस समय। सीज़न हिबिस्किस का ही नहीं, सभी फूलों का है। विंटर के फूल तो आ ही रहे हैं, समर फूल भी खूब खिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से ये फ्लावरिंग हो रही है ना। अभी पानी का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब प्लांट में दिक्कत हो रही है गर्मी की। अभी 2 दिन बारिश रही तो अच्छा रहा मौसम, और अब आज फिर गर्मी निकली है, तो 2 दिन मैंने पानी नहीं लगाया था, 2-3 दिन नहीं लगाया था, कल भी नहीं लगाया, परसों भी नहीं लगाया, 3-4 दिन मैंने पानी नहीं लगाया, मगर अब लगाना पड़ा। आज कई दिनों के बाद आज मैंने लगाया है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और कल मुझे जाना भी है, तो मैं आज भी पानी लगा दूँगी। थोड़ा आज लगा दिया मैंने, थोड़ा कल लगा दूँगी, बल्कि शाम को भी लगाऊँगी, जिससे कि मैं अगर सुबह ना लगा पाऊँ जल्दी जल्दी में, तो इन्हें ड्राइनेस ना हो। कहीं जाना हो तो पहले पानी खूब अच्छे से दीजिएगा, फर्स्ट टाइम दीजिएगा, फिर सेकंड टाइम दीजिएगा। मैंने अब आज दे दिया पानी, अब कल को फिर दूंगी मैं पानी, मतलब आज शाम को दूंगी, कल फिर दूंगी, तो ये
दो टाइम मेरा पानी हो जाएगा, तीन टाइम लगातार कंटिन्यूसली, जिससे कि पानी अच्छे से नीचे तक पहुंच जाए, जड़ के नीचे तक। थोड़ा थोड़ा पानी देने से पानी भी नहीं पहुंच पाता है, हम लोग ऐसे जल्दी जल्दी लगा के चले जाते हैं, जाते टाइम तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि हम प्लांट को पानी दे दें। तो मेरे हिबिस्किस खूब अच्छे से खिल रहे हैं, और एक ये भी है हिबिस्किस, इधर भी ये भी खिल रहा है। बस स्प्रे करने का टाइम नहीं है मेरे पास में, मैं आज जाऊंगी तो देखो कब टाइम मिलता है। और एक ये हिबिस्किस है, ये भी बहुत अच्छे से खिल रहा है, बहुत ढेर सारे फूल आने लगे हैं, कलियां भी आई हैं, और ये देखिए ब्रांचें न्यू न्यू आने लगी हैं। तो ये हिबिस्किस भी अच्छे से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप अच्छे से खाद दे दीजिए, अभी अगर आपने खाद नहीं दी है तो खाद भी दे दीजिए। मैंने इस वाले में नहीं लगा पाई हूँ खाद, इस वाले में नहीं लगी है, तो इसमें मैं अब खाद लगाऊंगी। मगर इसमें गेंदा वगैरह खूब अच्छे से खिल रहा है, इसलिए मन नहीं हो रहा है इसे खुदाई उदाई करने का, गुड़ाई करने का, पर मैं देखती हूँ। ऐसे ही थोड़ा सा लिक्विड डाल दूंगी मैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूंगी, तभी इसमें और भी ज़्यादा कलियाँ आएंगी। इसमें तो खूब अच्छे से मैंने खाद वगैरह दे दी थी, ये तो पूरा रिपोर्ट ही कर दिया था गार्लिक वाइन, मगर इसमें फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है, पर इसमें ये फूल खिल खिल के झड़ रहे हैं, है ना, झड़ भी गए हैं काफ़ी फूल खिले। देखिए कली ये है, एक कली ये गिरी हुई, मैक्सिकन पिटूनिया भी साथ में लगी हुई है, तो खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।